अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रूज अलवी और आज बड़े मज़े की नई रेसिपी लेके आई हूँ, चिकन एंड पोटैटो के लॉलीपॉप्स। ज़रूर बनाएं, बनाने में भी मज़ा और खाने में तो उससे भी ज़्यादा मज़ा। तो चलें शुरू करते हैं लॉलीपॉप। यहाँ पे हमने पानी बॉयल होने के रख दिया है, ये देखें पानी हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें पोटैटो रखते हैं, आलू रखते हैं इसमें बॉयल होने के लिए। ये देखिए काफ़ी बड़े आलू हैं तो हमने 3 आलू ले लिए हैं ताकि उसको जगह भी मिले और अच्छी तरह से वो बॉयल हो जाए। तो एक टिप आपको बताती हूँ, जब आप आलू को उबालने के लिए रखें तो पानी में थोड़ा सा 1/2 टीस्पून सॉल्ट डाल दें। सॉल्ट से ये होता है कि अच्छी तरह से ये बहुत जल्दी गल भी जाते हैं और इसका छिलका उतारने में आपको कोई मुश्किल नहीं होगी, बहुत आसानी से इसको रिमूव कर सकते हैं इसका छिलका। तो ये हमने रख दिया है, अब ये बॉयल होने के लिए इसको कम से कम 10 से 15 मिनट चाहिए। ये देखिए फुल फ्लेम पे हमने रखा है इसको, पानी हमने पहले से बॉयल कर लिया था। तो हमारे आलू बहुत अच्छी तरह से बॉयल हो गए हैं तो अब हम इनको निकाल के और छीलेंगे और मैश करके। हमने ये चिकन ले लिए, तकरीबन 1 किलो के करीब चिकन है, हम इसको बॉयल करेंगे। तो इसमें हम थोड़ा पानी डाल रहे हैं, इसको खाली हमें बॉयल करना है। इसमें मैं डालूंगी लहसुन अदरक और थोड़ा सा बिल्कुल नमक। ये देखें हम बस ये चीज डाल के हम लहसुन के जबे लिए हैं, छील लिए हैं। और ये अदरक है, ये तकरीबन 1 इंच का टुकड़ा था अदरक का, इसको ही मैंने टुकड़े काट लिए हैं। और ये मैं इसमें ये देखें चिकन बॉयल हो रही है, जैसे बॉयल होना शुरू हो गई है। हम इसमें 1 छोटी चम्मच इसमें हम सॉल्ट डाल रहे हैं क्योंकि जब हम बाकी चीज़ें डालेंगे तो उसमें भी सॉल्ट होगा। और ये हमने इसमें डाल दिया है अदरक लहसुन, ये उबल जाएगा अच्छी तरह से तो फिर हम इसको छान लेंगे। और इसमें हमने कोई, मैंने आप देखें इसमें कोई मैंने अनियन वगैरह कुछ भी नहीं डाली है, सिर्फ सॉल्ट है और अदरक लहसुन है। चलें इसको कवर करते हैं और ये पकना शुरू हो गया है तो हम इसको 10 से 15 मिनट तक इसको बॉईल करेंगे हम। तो चलें फुल फ्लेम करते हैं। ये देखें मैंने ये आलू बॉईल करके रखे हैं यहाँ पर, ये हमने चिकन बॉईल कर ली है। अब इसको हम चिकन को हम श्रेड कर देंगे और आलू को हम मैश कर लेंगे या हम कद्दूकस कर लेंगे। ये हमने एक आलू कर लिया है ग्रेटर की मदद से, हमने बहुत आसानी से क्योंकि हमने उबाला हुआ है आलू तो इसलिए देखें कितनी अच्छी तरह से ग्रेट हो गया है। इसी तरह हम सारे आलू को तैयार करेंगे और चिकन को जो है वो हम हाथ से उसके लिए से अलग करेंगे। चिकन को भी 1/4 की मदद से हम तैयार करेंगे, को भी हमने बहुत अच्छी तरह से बॉयल कर लिया था, उससे ये आसानी होती है कि टाइम भी बचता है और ये बहुत सॉफ्ट हो जाती है और इसको बनाना भी आसान होता है। तो ये देखें ये सारी हमने चिकन इस तरह से कर ली है, ये देखें ये एक हमने बनाया है, ये देखें बिल्कुल शेप जो है लॉलीपॉप बन गया है। ये इसको अच्छी तरह से फिक्स करें इसके ऊपर और ये देखें हमारा ये एक बन के तैयार हो गया है, दूसरा भी हम इसी तरह बनाएंगे। थोड़ा सा हमने अपने हाथों में तेल लगाया है ऑयल की वजह से ये चिपकने में थोड़ा सा हमने इसमें स्टिक के ऊपर भी लगा दिया है। अब हम थोड़ा सा ये लेंगे हाथ में, इसको अच्छी तरह से मिक्स करें और
इसको ऐसे करके लगा दें इसके ऊपर, ये देखें, और फिर स्टिक के ऊपर फैला दें और हाथ से इसको ठीक कर लें। ये देखें बहुत आसानी से बन रहा है, और बस इसको ऐसे रखते जाएं। एक और बना के दिखाती हूँ आपको। नई नई चीजें बनाया करें, थोड़ा सा टेस्ट भी चेंज होता है, थोड़ा सा लुक चेंज होता है, अच्छा भी लगता है बनाने में भी, इंटरेस्टिंग चीज है, आप इंजॉय करें और बना के खिलाने में भी। नई चीजें बनाएं, उसमें जो चाहें मिक्स करें चीजें अपने हिसाब से। ये देखिए हमारे ये तीन बन गए, बाकी भी हम इसी तरह बनाते हैं। तो अब हम अगला प्रोसेस शुरू करते हैं। ये हमारे जो बन गए हैं सब, इसको हम एक दफा और सेट कर लें। ये देखें, ये बिल्कुल सही है। ये हमने अंडे फेंट के रखे हैं, इसमें हम इसको अच्छी तरह कोट करेंगे, और फिर ये हमारा ब्रेड क्रम है, इसमें हम इसको रखेंगे और इसको भी कोट करेंगे। ये देखें, ऐसे हमने ये तैयार कर दिया अपना लॉलीपॉप। फ्राई करेंगे हम इसके बाद, मगर पहले हम इन सब को तैयार कर लेते हैं। ये देखें, एक दफा और सेट कर लें। इस तरह से अच्छी तरह चारों तरफ लग जाए, अंडा लग जाए, फिर उसके बाद हम ये ब्रेड क्रम लगाएंगे इस पे। ये देखें इस तरह से, और ये बहुत एहतियात से उठा के यहाँ रखें। इसी तरह हम सारे जो हैं हमारे लॉलीपॉप चिकन और वेजिटेबल के, चिकन और पोटैटो के लॉलीपॉप बहुत मजे के चटपटा, तो आप जितना चाहें खुद अपने टेस्ट के हिसाब से मिर्च मसाले डालें। और फिर ये देखें, ये तैयार हैं फ्राई होने के लिए। सबको हम इसी तरह से इसमें करके अंडे में डिप करेंगे और फिर ब्रेड क्रम लगाएंगे इस पे। आखिरी वाला भी तैयार हो गया हमारा। ये देखें, इसमें से हम अच्छी तरह से लगाएं, चारों तरफ लग जाए ताकि ये खुले नहीं, और फ्राई होने में बहुत अच्छा होगा। और फ्राई करने के बाद आप इसका टेक्सचर देखें, और इसका टेस्ट जो है क्रिस्पी और बहुत मजे का। ये देखें, ये देखें हमने अपने लॉलीपॉप जो हैं वो फ्राई करना शुरू कर दिए। ऐसे जितने भी आ जाएंगे इसमें हम डालते चले जाएंगे। एक और आ सकता है ऐसे। ऑयल हमने गर्म कर लिया था और इसमें हमने ये डाल दिए हैं, लॉलीपॉप बनना शुरू हो गए। अभी हम इसको छुएंगे नहीं, बस एक साइड से अच्छी तरह हो जाए, फिर हम इसको टर्न करना शुरू करेंगे। देखें कितनी आसान तरकीब है, सिर्फ आलू और चिकन को बॉईल करें, उसको श्रेडेड कर लें चिकन को, और इसको ग्रेट कर लें या उसको मैश कर लें आलू को, वो भी चलेगा। और उसके बाद इस तरह से बना के उसमें मसाले डालें अपनी पसंद के, और उसके बाद उसको लॉलीपॉप की शक्ल दे दें। अगर आपके पास ये स्टिक ना हो तो चिकन की जो लेग्स निकलती हैं हड्डियां, उसमें ही आप इसको लगा के और लॉलीपॉप की शेप दे सकते हैं।
तो मीडियम हीट पे मैं कर रही हूँ इसको। वैसे तो दोनों चीजें तैयार हैं, कच्चा तो कुछ भी नहीं है इसमें, लेकिन इसके ऊपर थोड़ा सा कलर आ जाए अच्छा सा और अच्छी तरह से ऊपर से जो हमने ब्रेड क्रम और एग लगाया है कोटिंग की है वो भी अच्छी तरह से हो जाए, उसका गोल्डन ब्राउन सा अच्छा सा कलर आ जाए। तो जब तक हम इसको देखेंगे, इसको टर्न करेंगे अभी और फिर उसके बाद ये देखें इसका कलर कितना खूबसूरत कलर आ गया है। हमने इसको टर्न किया है और अब उसी साइड से भी ये हो जाएगा, तो हम इसको निकाल के दिखाएंगे आपको। ये देखें कितना क्रिस्पी सा हुआ है, ये देखें बहुत क्रिस्पी है और अंदर से सॉफ्ट है, सब चीजें गल चुकी हैं, फ्राई हो गया है। तो अब हम इसको निकालते हैं। ये देखें हमारे लॉलीपॉप चिकन और एंड पोटैटो के लॉलीपॉप तैयार हैं। साथ में हमने ग्रीन चटनी बनाई है मिर्चे और धनिया मिर्चे की, और आप चाहें तो इसके साथ रायता भी बना सकते हैं। और ये देखें कितने अच्छे ये बनके तैयार हुए हैं, बिल्कुल क्रिस्पी हैं, सॉफ्ट हैं और टेस्टी तो बहुत ज़्यादा हैं। तो ज़रूर इसको बनाएं और इसको देखें कि कितनी आसान इसकी रेसिपी है। ये देखें रेसिपी कितनी आसान है, मसाले कितने कम हैं, मगर आप अपने टेस्ट के हिसाब से मसाले डालें, नमक मिर्च जो भी है आप अगर ज़्यादा करना चाहें तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, आप अपना टेस्ट बनाएं। और मैंने जिस तरह से बनाए इस तरह के बना के प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसे लगे। ये देखें आपको करीब से दिखाऊं, ये देखें बहुत ही अच्छे बने हैं, बहुत ही टेस्टी हैं और कम मसाले हैं। जितने कम मसाले आप इस्तेमाल करें उतना ही असल चीज़ का टेस्ट ज़्यादा होगा। तो ये मैंने आपको टिप्स दी है कई दफ़ा और इसको याद रखें, इसको यूज़ करें और प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने बनाया तो आपके कैसे बने हैं।